क्लास एट में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2.5L माइनस 0.5 एंड 2.5L प्लस 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया, ठीक है। इसको फटाफट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लिखेंगे कैसे, 2.5L इंटू, ठीक है, इससे इन दोनों करना है, पूरा का पूरा उठा लेते हैं, 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है, माइनस 0.5M, ठीक है, माइनस 0.5M है तो पूरा माइनस 0.5, यानी इसका इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये साइन जो है कॉमन रहेगा। तो माइनस 0.5M का मल्टीप्लाई होगा 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। ये तीन एक साथ आएंगे, इसके साथ ये दो, इसके साथ ये दो, बीच का साइन माइनस, ठीक है। वैल्यू को हम पूरी तरह से क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बीच का टोटल वैल्यू जो है ये वैल्यू का इस वैल्यू के साथ माइनस होगा। जैसे इसका इसके साथ माइनस हो रहा था, तो अब इसके साथ वाले का पूरे के पूरे इसके साथ वाले का पूरे के पूरे इसके साथ वाले के साथ माइनस हो जाएगा। इसका साथ वाला क्या है, इसका साथ वाला ये पूरा का पूरा है, ठीक है, ये इसके पूरे के साथ में और फिर माइनस होगा इसके पूरे के साथ में, ये और इसका जो पूरा सेटअप है इसके साथ में दोनों का ये माइनस हो जाएगा। आ गया समझ में, अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 2.5L का इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2.5L इंटू 2.5L, ठीक है, प्लस, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा यही यहाँ भी होता है, 2.5L इंटू 0.5M, ठीक है। सभी को ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, माइनस यहाँ भी ऐसा होगा, 0.5M इंटू 2.5L, ठीक है, प्लस 0.5M इंटू 0.5M, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर, इसको भी ब्रैकेट के अंदर और होल ब्रैकेट, ठीक है। ये होल का इस होल के साथ माइनस हो रहा है, इसलिए इस होल को अलग रखिए, इस होल को अलग रखिए, बीच में माइनस का साइन कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अब 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 और L इंटू L, तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सीधा 6.25 L स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, प्लस अगला क्या है, 2.5 का 0.5 से होगा तो कितना हो जाएगा, 1.25 LM, ठीक है। चाहे तो आप एक स्टेप आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू L इंटू L। इसमें क्या किया मैंने, सारे कांस्टेंट को एक साइड और सारे वेरिएबल्स को आगे साइड में ले लिया, ठीक है। प्लस क्या होगा, 2.5 इंटू 0.5 इंटू L इंटू M, ठीक है, माइनस 0.5 इंटू 2.5 इंटू M इंटू L, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू M इंटू M, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, इक्वल टू, अब देखिए 2.5 इंटू 2.5 क्या होगा, 6.25, ठीक है, और L इंटू L क्या होगा, L स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट हो गया, प्लस 1.25, ठीक है, इंटू एल एम, ओके, माइनस 1.25 ml, ठीक है, प्लस इंटू ml, ठीक है, प्लस 0.25
25 इंटू एम स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में? अब क्या हो जाएगा, 6.25 एल स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा, सारा वर्कआउट हो चुका है, प्लस 1.25 एल एम, ओके, ये ब्रैकेट सेम टू सेम रहेगा, माइनस 1.25 एम एल, ठीक है, प्लस 0.25 एम स्क्वायर, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताया था कि माइनस यदि बाहर में है तो किस तरह से वर्कआउट होता है, इसको इसके साथ मेरे को माइनस करना था। तो पिछले चैप्टर मैंने पढ़ा कि पहले इसको लिखते हैं बाद में माइनस करके इसको लिखते हैं, तो पहले मैंने इसको लिखा बाद में इसको लिखा, तो क्या हुआ, जब भी माइनस करेंगे, होल माइनस करेंगे, तभी नीचे का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो -4 -24 -4 -24 28 आया, तो क्या करना होता है, और यहाँ -32 का प्लस हो गया था, +32 हो गया था, तो क्या होता है कि साइन यदि बाहर हो तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाता है साइन के साथ में, तो माइनस प्लस के साथ में होके माइनस बना देता है, तभी तो -4 और -24 होके -28 आया, यहाँ भी -28 आया था, यहाँ भी -28 आया, क्यों आया, क्योंकि इसको माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +32, यहाँ +32 हो गया था, ठीक है, जस्ट पिछले वीडियो में बताया था। तो सेम टू सेम यहाँ माइनस बाहर में है, तो क्या हो जाएगा, 6.25 एल स्क्वायर प्लस 1.25 एल एम, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में हटा रहा हूँ, ठीक है, तो ब्रैकेट हटा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, पहला ये यहाँ पे और दूसरा ये यहाँ पे, दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया 1.25 ml हो गया, ठीक है, और माइनस और यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस हो गया 0.25 एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब ये एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, एल स्क्वायर और कहीं भी नहीं है, ये एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या है, प्लस 1.25 एल एम और ये एम एल, यानी एम एल यहाँ भी है, एम एल यहाँ भी है, एक ही है, आगे पीछे कर देने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ एम एल है, यहाँ भी एम एल है, ये 1.25 प्लस में है, ये माइनस में 1.25 है, यानी दोनों का दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस जीरो हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर, ठीक है, दोनों प्लस 1.25 है, माइनस वन, प्लस टू माइनस टू कितना होता है, जीरो होता है, प्लस टू माइनस टू जीरो होता है, प्लस थ्री माइनस थ्री जीरो होता है, तो प्लस 1.25 माइनस 1.25 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या जीरो एम एल हो जाएगा। जीरो एम एल का वैल्यू क्या हो जाता है, यदि जीरो एम एल हम लिख दें तो जीरो एम एल का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ प्लस जीरो कर सकते हैं, या वैल्यू जो है एक स्टेप और बढ़ा के 2.5 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।